5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. We were tracking. Easy tracking. अगर इंडिया की बात करें तो पहले मिशन मून की बहुत बल्ले बल्ले थी पूरे दुनिया में, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में उसकी बात की जा रही थी। और अब PSLV C-57 यानी कि आदित्य L-1 ये उड़ गया है सूरज की ओर। तमसो मा ज्योतिर्गमय, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, यानी कि अंधकार से उजाले की ओर का सफर इसने तय कर दिया है। चंद्रयान की भव्य सफलता के बाद अब आदित्य L-1 गया है सूरज को ऑब्जर्व करने। हम यहाँ पर आटा चीनी दाल रोटी के मसाइल में पड़े हुए हैं और इंडिया चांद पर जा रहा है, सूरज पर जा रहा है और दुनिया में अपनी तारीख रकम करवाते जा रहा है। दुनिया अभी इंडिया की मिसालें दे रही है, द नंबर वन है या फिर ओनली वन है। गाइस हम क्या हैं? एक नंबर के चूतिया हो तुम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इंडियन ब्रो रिएक्ट्स में स्वागत है। जी दोस्तों, आज का वीडियो फिर हम पाकिस्तानी जाहिलों का जो वीडियो है वो लेके आए। जी हाँ, जो मदरसे में पढ़ने होते वाले होते हैं पाकिस्तानी जाहिल, जी हाँ, उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए हैं। जैसे इंडिया चंद्रयान 3 लॉन्च कर चुका है तो वहीं उसने आदित्य L-1 सूर्ययान भी लॉन्च किया है, तो उन जाहिलों ने इस सूर्ययान के लिए क्या बोला, तो आप देखिएगा वीडियो को पूरा एंड तक और मिलते हैं हम वीडियो के एंड में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तक अपने बच्चों को ही चांद चांद कहने पर इत्तेफाक किए हुए हैं, मतलब ये मूव ऑन, मतलब हमारे बच्चे तो अच्छे हैं। हाँ ठीक है, वो भी है, बात तो सही है। मदरसे में पढ़ते हो, बहुत जबरदस्त यार, क्या लगता है कि आपको के चांद पर जाना सही है? जो नॉन मुस्लिम जा रहे हैं, अभी इंडिया चांद पर चला गया, चांद पर जाकर वो स्टडी कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे बड़ी बात तो ये है, चांद पर जाना बड़ी बात नहीं है, चांद को कदमों में बुलाना बड़ी बात है। रुक जा। अब ये सस्ता जाहिल पाकिस्तानी बोल रहा है कि चांद पर जाना कोई बड़ी बात नहीं है और चांद को कदमों पर बुलाना बड़ी बात है। अबे जाहिलों, कोई बड़ी बात नहीं है तो तुम जाओ ना चांद पर, हैं? तुम्हारे बाप दादा ने कभी जो रोड है वो भी सही से बनाई है? वहां पर कुछ कटोरा वटोरा भी है नहीं है तुम्हारे भीख मांगने के लिए? नहीं तो हम इंडिया से भिजवाए यार, समझते नहीं हो तुम? है ये जाहिल, जाहिल आदमी जाहिल। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने चांद को कदमों पे बुलाया। मजीद बढ़ना ही तो फिर मैं तो यही कहता हूँ कि इंग्लैंड को वापस कर दें, पाकिस्तान उनको दे दें वापस, हमसे चल नहीं रहा। हम 50 इंडिया भी हमारे साथ था ना, इंडिया भी हमारे साथ था ना, ये उनको वापस दे दें वो चला लेंगे, इंडिया को दे दें। वो कहते हैं हम नहीं लेंगे, वो कहते हैं भाई हमने बड़ी मुश्किल से स्टेबिलिटी की। वो सही कह रहे हैं ना, उन्होंने इनको गरीबों को लेकर करना क्या है, हर बंदा तो यहाँ पे मांगने वाला है। हाँ भाई, अब इसी ने खुद बोल दिया कि इंडिया से मदद लेके क्या करना है, है पाकिस्तानी खुद मांगने वाले, भिखारी है पाकिस्तानी। तो इंडिया ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बड़ी तरक्की कर ली है। जी, इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर तरक्की करने की जो बुनियादी वजह, अगर आप देखें तो उनका चंद्रयान मिशन जब पहली बार जैसे ही उसने चंद्रयान के ऊपर लैंड किया था, तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर उसकी फेल की खुशी मनाई गई है कि यार ये इनका लॉन्च हो चुका है, यानी इनका फेल हो चुका है। हाँ जाहिलो, तुम हमारे इंडिया का जो सेकंड चंद्रयान था उसके फेल होने पर खुशी मनाई थी ना, आज हमने चंद्रयान 3 भेजकर साबित भी कर दिया कि हम चांद पर जा सकते, और तुम जाहिल वहीं के वहीं हो, अभी भी कटोरा में ही लगे हुए हो। अभी तक 3 साल हो गए, तुमको खुद आटा पैदा नहीं करके खाना नहीं खा पाए हो, हैं दूसरों से प्याज चावल सब कुछ मंगाते रहते हो। उसके बाद देखे लॉन्च हो चुके और फेल होने की दुआएं मांग रहे। फेल होने की पाकिस्तान में 2 बार खुशियां मनाई गई है, बकायदा मिठाई वगैरह तकसीम की गई, लेकिन देखे 3rd बार अगर आप देखें कि चांद की जो साउथ पोल के ऊपर इंडिया जाने वाला वाहिद मुल्क है, अगर आप देखें तो अमेरिका के अंदर भी इसकी एक आपने बकायदा तौर पर पोस्टर लॉन्च हुए थे जिसके अंदर एक शख्स गाय पकड़कर खड़ा हुआ है। हाँ जी, यान को लॉन्च करने वाले 2 बंदे जो उनका मजाक उड़ा रहे हैं, आज देखें यही लोग इनसे आगे पूछेंगे, इंडिया से इंडिया के अंदर एजेंसीज आएंगी उनके पास फार्मूला पूछा जाएगा, और सबसे कम बजट के अंदर इंडिया ने साउथ पोल के अंदर जाके अपना इसको लैंड किया, उसके बाद यहाँ से मेटल पानी की दरियाफ्त, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि गोल्ड की जखायर दरियाफ्त करने वाला इंडिया पहला मुल्क बनेगा, और सेकंड आप जो सूरज के कह रही है, सूरज के बाद में आप वो मंगल के ऊपर जाने वाले हैं, मार्स के ऊपर सेकंड उनका प्लान मार्स के ऊपर जाने वाला, जो कि मुझे उम्मीद है कि वो भी कामयाब होगा। इस्लामिक कंट्रीज की बात करें वो भी नहीं हमारी हेल्प कर रहे हैं। आप दूसरों को छोड़ें, ये अफगानिस्तान को देखें, 20 साल वहाँ पे जंग रही है, ऐसे ही है। आप 1 साल रुक जाइए, वो हमसे कम से कम 50 गुना आगे चला जाएगा। चले वो डेवलपमेंट करे, अल्लाह करे, लेकिन हम भी करें, अल्लाह करे वो कर, अल्लाह इधर भी करता है लेकिन हम करने नहीं देते। भाई भगवान कुछ नहीं करते, भगवान सिर्फ सहारा बन सकते, करना हमें इंसानी लोगों को ही होता है, क्योंकि तुम करते नहीं हो, बोलते हो कि अल्लाह ने नहीं करने दिए। अरे भगवान सब कुछ करते हैं, अगर सही नियत रखे तो सब कुछ होता है भाई। खैर आप वीडियो आगे देखो, यानी हम नहीं करते, हम कहते हैं अल्लाह ही करे, अल्लाह ने हमको उनसे ज्यादा चीजें दी हैं, ठीक है, लेकिन हम बेईमान ही ज्यादा हैं, हमारे हुक्मरान हमसे ज्यादा बेईमान है।
आवाम भी है लेकिन हमारे हुक्मरान जो है ना वो हमसे ज्यादा खा रहे हैं। अच्छा नेबर कैसे जो मतलब लोग तो दोनों तरफ एक साइड एक जैसे होते हैं, अगर नेबर की बात करें मिशन मून और अब मिशन सन, क्या कहते हैं एशिया में पहला ऐसा कंट्री होने वाला है जो ये मिशन लॉन्च करने जा रहा है, क्या कहते हैं? पहले तो ये बताएं आपको लगता है कि वो कामयाब होंगे? वो कामयाब होंगे सर, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वो कामयाब हो जाएंगे। हमारे मुल्क में जो अच्छा काम करना चाहता है उसको वैसे ही खत्म कर देते हैं। हाँ चलो कोई तो निकला पाकिस्तान में जाहिल का बच्चा है, ये खुद बोल रहा है कि हम खुद मूर्ख है, हम बेईमान है तो बेईमानों की मदद भी भगवान नहीं करते हैं। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। यार पसंद आई तो वीडियो को लाइक और आपके भाई को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई आपका ऐसे ही इंटरटेनमेंट और नॉलेज भरी वीडियो लेके आता रहे, जिससे आपका इंटरटेनमेंट भी होता है और नॉलेज भी बढ़ता है। तो खैर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। और कमेंट बॉक्स नीचे खाली है तो पहले तो पाकिस्तानियों को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।